व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, आज की दुनिया में हम लोग एक दूसरे के ऊपर कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसी के बारे में डिस्कस यहाँ पर किया गया है कि अगर किसी के ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट करना है, किसी के ऊपर आप लोगों को विश्वास करना है, तो पहले उसको समझ लीजिए वो इंसान है कैसा। क्योंकि आज की दुनिया में एक आर्टिफिशियल दुनिया ज्यादा है, क्योंकि हर एक इंसान ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से सामने वाले इंसान को यूज किया जाए। तो इसी तरीके की दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, यार दोस्त बना लेते हैं बड़ी जल्दी आंख बंद करके। अगर हम लोग मार्केट में कुछ काम सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग कई बार सर्च करते हैं इंटरनेट पे, दो चार इंसानों से पूछते हैं यार ये कैसा रहेगा, सही तो है ना, ये कंपनी कैसी है, इसका ये प्रोडक्ट कैसा है। पर लेकिन जब ट्रस्ट करने की बात आती है तो बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि दूसरे इंसान पर बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर वो इंसान उसका गलत फायदा उठाता है। तो यही बोला जा रहा है कि पहले समझ लीजिए कि वो इंसान सही है या नहीं सही है, उसके ऊपर विश्वास करने से पहले। क्योंकि ये आर्टिफिशियल दुनिया आप लोगों को नजर आएगी। यहां पर क्या होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिफिशियल लेमन फ्लेवर यूज किया जाता है वेलकम ड्रिंक में। मतलब जब कोई आदमी किसी के मिलने आता है किसी पार्टी में, आप लोगों को वेलकम ड्रिंक देखने को मिलेगी, वहां पर आर्टिफिशियल लेमन यूज किया जाता है। और जब बात आती है रियल लेमन की, तो आप लोग अगर होटल वगैरह में या किसी ढाबे वगैरह पे जो ठीक ठाक है वहां पर गए होंगे, तो उंगलियां धुलने के लिए एक कटोरे में वहां रियल लेमन जूस आप लोगों को दिया जाता है। मतलब आर्टिफिशियल तो वेलकम किया जा रहा है और रियल लेमन से हाथ धुले जा रहे हैं। तो ऐसी दुनिया में यहां पर रह रहे हैं। या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे नींबू और मिर्च टांगनी देते हैं कि हाँ नजर नहीं लगेगी, तो ऐसा यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां यूज करना चाहिए उस चीज को असलियत में, वो चीज वहां नहीं मिलेगी। एक दिखावटी ज्यादा दुनिया आज की डेट में हो गई है। तो समझ लेना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, तभी जाकर किसी तीसरे पर्सन पर विश्वास करना चाहिए। ओके, ये होती है हमारी यहाँ पर करंट अफेयर की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग PIB ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स इंपोर्टेंट जो कि आज आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं डिस्कस करते हैं, और इस कंबाइंड पैकेज को हम लोग मिलाकर बोल देते हैं नैनो मैगजीन। आज है 23rd of July, देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोग को नैनो मैगजीन में डिस्कस करना है। तो जो पहले है यहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं ये है शॉर्ट न्यूज इंपोर्टेंट, जिनको देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना है। पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है लक्ष्य सेन के बारे में। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जकार्ता। जकार्ता किसकी कैपिटल है, कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूं, दिखा भी चुका हूं, यह है इंडोनेशिया की कैपिटल। ठीक है, आइए मैप में एक बार निहार लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए। यहां पर इस साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा जूम करते हैं अभी इसको, तो ये देखिए यहां हो गया हमारा प्यारा इंडिया। अगर और थोड़ा और जूम किया जाएगा यहां पर, तो इसको ऐसे जाएंगे आप लोग, नीचे आप लोगों को इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। ये देखिए ये हो गया यहाँ पर इंडोनेशिया। थोड़ा और जूम करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जकार्ता देखने को मिलेगा। एक मिनट, इंडोनेशिया जूम आउट करते हैं एक मिनट, थोड़ा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, अपडेट थोड़ा लेट में हो रहा है, या फिर दूसरे मैप में भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। एक मिनट, इसमें लेट अपडेट हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग इस वाले मैप में, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया इंडोनेशिया और ये हो गया यहाँ पर जकार्ता। ठीक है, दिख रहा होगा ये जावा सी भी हो गया, ये हो गया यहाँ पर बांदा सी। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को देख लिया कीजिए। ओके, अच्छा ये बताइए आप लोगों को, जो ये सेकंड मैप मैंने दिखाया ये आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, जो पहला मैप दिखाता हूँ ग्लोब वाला वो ज्यादा अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में ये बताना, फिर उसी तरीके से मैं कर लिया करूंगा। क्योंकि आप लोगों के हिसाब से चीजें होनी चाहिए ना, जो आप लोगों को कंफर्टेबल कराती हूं। तो जो ये सेकंड मैप मैंने दिखाया ये अच्छा लगता है, जो पहले वाला जो ग्लोब वाला मैप दिखाया था वो ज्यादा अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग एक बार। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे काफी अच्छी बात है, यहाँ पर GST काउंसिल के द्वारा रिड्यूस कर दिया गया है लगभग 80 आइटम्स पर उसको, यहाँ पर जो जीएसटी टैक्स था, मतलब जीएसटी टैक्स यहाँ पर घटा दिया गया है, और 6 आइटम यहाँ पर ऐसे हैं जिन पर जीएसटी टैक्स बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। उनमें से है सैनिटरी नैपकिन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए खासकर महिलाओं के लिए। तो आप लोग देखते हैं पैडमैन मूवी बनाई गई थी यहाँ पर इसी से रिलेटेड, ठीक है, अक्षय कुमार जी की आप लोगों ने देखी होगी। इसके अलावा ये कौन है रियल पर्सन जिनको रियल पैडमैन बोला जा रहा है, इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है और खास तरीके से आउट ऑफ द वे जाकर इन्होंने जो काम किया है उसके लिए आप लोगों को इनका नाम पता होना चाहिए, और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी बताना। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है ये आ रही है यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने बोला है, जो नेशनल रजिस्टर की बात कर रही है अपडेट करने की सिटीजन के लिए, तो उसके लिए बोला गया कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी जो अपडेट किया जाएगा तो उसमें फिर से जो भी यहाँ पर रियल लोग हैं उनको यहाँ पर पूरा पूरा एक तरीके से अपने आप को साबित करने के लिए कि वो इंडियन सिटीजन है पूरा उनको लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो डरने कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी 31st of July को वो अपडेट होके आने वाला है। ठीक है, तो अफरा तफरी न मचे, इसीलिए यहाँ पर ऐसी बात बोली गई है हमारे होम मिनिस्टर जी के द्वारा। नेक्स्ट बात निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से पूछा है कि कोई भी एक ऐसा एक्शन प्लान बनाइए जिससे हमारी कंट्री में जो ड्रग्स है उनको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, फिर मिसयूज आप लोग बोल सकते हैं, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ड्रग्स का जो अब्यूज किया जा रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है।
यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि एशिया पैसिफिक वाले रीजन में, एशिया पैसिफिक अगर आप लोगों को बोला जाए तो ये आप लोग देखते हैं, ये हो गया यहां पर इंडियन ओशन और ये हो गया इधर पैसिफिक ओशन। तो इंडियन और पैसिफिक ओशन इन दोनों के आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन दोनों का जो रीजन है इसको बोलते हैं एशिया पैसिफिक, कई बार इसको इंडो पैसिफिक बोल देते हैं। एशिया पैसिफिक में बोला गया कि ओनली 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनमें से ओनली 1 को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे ढंग से, मतलब ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, कहने का मतलब ये है। तो ये सब चीजें सही होनी चाहिए वरना कोई मतलब नहीं है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका। ओके, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और उनमें अलग अलग तरीके से किस तरीके से हमारी सोसाइटी को सही किया जा सकता है, ये टारगेट लगाया 2030 तक, ये याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था ब्रिक के बारे में, मैंने पूछा था ब्रिक की जो 9th समिट अभी हुई है लास्ट, वो हुई है कहां पर, ये हुई है यहां पर, ये चाइना में, ठीक है ना, कब हुई है ये 3 से 5 सितंबर तक 2017, तो चाइना में हुई है, तो इसी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा, जो अभी जो मीटिंग हुई है, अभी जो मीटिंग 2018 वाली के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में, वो बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, कहां पर हुए थे, गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जब मैंने आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाया था उस टाइम पर पूछा था, 21st कॉमनवेल्थ गेम थे ये आप लोगों को देखने को मिला अभी हुए अप्रैल में, और जो यहाँ पर मोटो था इसका ये था शेयर द ड्रीम। देखिए आंसर ये आप ही लोगों ने दिए हैं, आप ही लोगों के जो मुझे अच्छे आंसर लगते हैं उसमें से मैं उठाता हूँ, काफी अच्छे से आप लोग आंसर देते हैं, इसी तरीके से आंसर देते रहना आप लोगों को। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ये है मून जे इन, जो हमारी कंट्री की विजिट पर भी अभी आए थे, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी साउथ कोरिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनको अभी यहां पर कई साल की और कैद की सजा बढ़ा दी गई है क्योंकि करप्शन के चार्ज में। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से हमारे होम मिनिस्टर पूछा था, ये है राजनाथ सिंह जी। ओके, इसके अलावा अगर आप लोग क्वींसलैंड एक बार देखना चाहते हैं, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कोरल सी हो गया यहाँ पर, ये हो गया क्वींसलैंड। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये वाला क्वींसलैंड हो गया, ये एक तरीके से स्टेट है जिस तरीके से हमारी कंट्री के स्टेट है। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉमनवेल्थ गेम ये होते हुए नजर आए थे। अब की बार थोड़ा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर बिम्स्टेक के समिट के बारे में, अभी बिम्स्टेक की जो समिट होने वाली है जिसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मतलब अलग अलग सेक्टर में टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन किस तरीके से कर सकते हैं कुछ कंट्री, वो कौन कौन सी कंट्री अभी बताऊंगा। तो इसकी जो मीटिंग होने वाली है ये होने वाली है नेपाल में, नेपाल में ये मीटिंग होने वाली है, और देखिए ये मीटिंग जो नेपाल में होने वाली है यहाँ पर इसी के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम होने वाली है, इससे पहले नेपाल में इसकी मीटिंग नहीं हुई है, ठीक है, और ये फोर्थ समिट है जब से यहाँ पर इसको बनाया गया है 1997 से, क्योंकि देखिए कई सारी बातें कई सारी प्रॉब्लम निकल के आती है, तो कई सारी जैसे साग की मीटिंग आप लोग देखते हैं काफी लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, तो इसी तरीके से जो रीजनल कंट्री है उनकी जो मीटिंग होती है उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, खासकर जहां पर इंडिया पार्ट है उसका। तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में, ढाका में। 7 कंट्री टोटल आप लोगों को यहां पर नजर आएंगी, ठीक है, इंडिया नेपाल बांग्लादेश भूटान, श्रीलंका, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा म्यांमार, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखते हैं म्यांमार, थाईलैंड, ये कंट्री आप लोगों के सामने है। और जैसा आप लोगों को नाम यहां पर देखने को मिला बोला गया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मतलब बे ऑफ बंगाल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, तो इसी के आसपास की सारी कंट्री आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगी, इसीलिए इसका नाम पूरा रखा गया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो किस तरीके से मल्टी सेक्टर अलग अलग सेक्टर में टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ये बना के आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो पूरा नाम है बिम्स्टेक, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिया और ओमान की ज्वाइंट कमीशन मीटिंग के बारे में, तो यहाँ पर हमारी कंट्री से जो कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु जी, उनके साथ मिलकर ये 8th इंडियन ओमान ज्वाइंट कमीशन यहाँ पर ये चेयर किया गया है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। खासकर फोकस किया जा रहा है ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब जो फंड बनाया गया था कि हम लोगों को इन्वेस्ट करना है ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, इंडिया का जो बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो ओमान का यहाँ पर जो बैंक नजर आएगा यहाँ पर ये स्टेट जनरल रिजर्व फंड, यहाँ पर दोनों के द्वारा मिलकर स्पेशल पर्पज व्हीकल के तहत यहाँ पर कई सारे फील्ड में ये पैसा खर्च करने की बात की गई थी 100 मिलियन, तो इसको फुल्ली यूटिलाइज कर लिया गया है। ओमान को आप लोग एक बार मैप में निहारना चाहे तो आप लोग मैप में निहार सकते हैं, देखिए आप लोग मैप देखते रहेंगे ना तो आप लोग एक तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे से चीजों को, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये हो गया यहाँ पर ओमान, ठीक है, ऊपर देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान भी है आप लोगों के सामने, ये पर्शियन गल्फ हो गया, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं मस्कट यहाँ पर इसकी आप लोगों को कैपिटल नजर आएंगी, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में करेंसी बताइएगा, बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ नीचे ओमान की करेंसी क्या है।
बात की जा रही है ग्लोबल रैंकिंग ऑफ नेशनल सॉफ्ट पावर के बारे में, तो ये अभी आया है जहां पर निकल गया, तो सबसे ऊपर जो यहां पर लिस्ट में निकल के आ रहा है ये है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, यूके को यहां पर टॉप पे रखा गया है। इसके अलावा इंडिया यहां पर पार्ट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर है फ्रांस और तीसरे नंबर पर है जर्मनी, तो टोटल 30 यहां पर कंट्री का निकाला जाता है यहां पर, जो कि यूके बेस्ड जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी फर्म है साथ मिलकर कैलिफोर्निया सेंटर पब्लिक डेमोक्रेसी के साथ मिलकर ये रैंकिंग निकाली जाती है। तो यूके है टॉप पे, दूसरे नंबर पे है फ्रांस, तीसरे नंबर पे आप लोगों को नजर आएगा जर्मनी, तो टॉप थ्री कंट्री आप लोग याद रखते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए इंडिया के बारे में, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक अलग ही पैटर्न नजर आ रहा है, जैसे आयुर्वेदिक फील्ड में चीजें आगे बढ़ रही है, कई सारी चीजें और भी हैं जैसे एलोपैथिक आप लोग देखते हैं, इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो अलग अलग दवाई सिस्टम हमारी कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है, होम्योपैथी वगैरह आप लोग देखते हैं, पर हमारी कंट्री का जो बेस है वो आयुर्वेदा पे टिका है, तो इसीलिए यहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, इसके द्वारा यहां पर IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ मिलकर MOU साइन किया गया है, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके तहत यहाँ पर इस फील्ड में रिसर्च की जाएगी और ज्यादा आयुर्वेदिक फील्ड में रिसर्च की जाएगी, किस तरीके से यहाँ पर इसको बढ़ाया जा सकता है, तो राइजिंग टुवर्ड द एक्सीलेंस, तो ये यहाँ पर इसका नाम, ये कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर 2 दिन की, जिसके तहत दोनों ने अलग अलग तरीके से एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाया और रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं जो एंशियंट मेडिसिन है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि जुकाम हो गया तो ये खा लीजिए, सर में दर्द हो गया तो जैसे जो जिसको नुक्से बोला जाता है, ठीक है, तो ये इस तरीके जो अलग अलग तरीके जो आयुर्वेदिक दवाई है हमारी कंट्री में बहुत सारी है और बहुत इंपैक्ट भी डालती है, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि तो किस तरीके से हम लोग इसको और अच्छे लेवल पर डेवलप कर सकते हैं। तो ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये बताइए कहां पर है, ठीक है, और दूसरा बोला गया यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है दिल्ली IIT जिसको बोला जा रहा है, तो दोनों मिलकर आगे काम करने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, ये इसका इंस्टीट्यूट का भी पता होना चाहिए, काफी न्यूज में रहता है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बोला जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका ग्लोबल इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको ट्रैक करने के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा गूगल के साथ में अभी पार्टनरशिप की गई है। गूगल, यही गूगल जो आप लोग सर्च करते हैं कि गूगल ये बताओ गूगल वो बताओ, उसी के साथ में पार्टनरशिप की गई है कि किस तरीके से हम लोग आज की डेट में ये जान सकते हैं कि इन्वायरमेंट पर कितना नुकसान पड़ रहा है, किसके साथ, कौन कौन, गूगल और प्लस UNEP के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इस फॉर्मेशन किया गया था 5 जून 1972 में, एक तरीका प्रोग्राम है किस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड पर हम लोग ध्यान रख सकते हैं, इन्वायरमेंट इश्यूज को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में। हेडक्वार्टर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा इसका, कहाँ पर, कीनिया में, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है या तो USA में या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन के अंदर, पर लेकिन कीनिया में यहाँ पर है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रख सकते हैं। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ये है यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, तो UNEP की बात की जा रही है, तो गूगल और UNEP दोनों मिलकर यहाँ पर ये देखने वाले हैं किस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे यहाँ पर ग्लोबल इकोसिस्टम पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ऑनलाइन टूल यूज करके अलग अलग तरीके से चीजों को यूज किया जाएगा ताकि यहाँ पर चीजों को सुधारा जा सके। तो इस तरीके के यहाँ पर एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि सब कोई आके जो भी एक्सपर्ट है इस फील्ड में आकर बात कर सके, और टारगेट यही रहेगा कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सके जो कि ग्लोबल फ्रेंडली हो, ठीक है, और कोई भी ग्लोबल लेवल पर अगर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है उसको भी यहाँ पर ठीक किया जा सके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में होती है उसके बारे में आप हल्का सा याद यहाँ पर रख सकते हैं, ओके, तो ये गूगल और कौन है UNEP। नजर डालते हैं थोड़ा डिफेंस न्यूज के ऊपर, एक आधी डिफेंस न्यूज भी देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट निकल कर आ रही है यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है यहाँ पर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि वो मिसाइल है जो कि यहाँ पर साउंड से भी तेज आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी, अलग अलग तरीके से टेस्ट फायर की जाती है, क्यों की जाती है, ताकि इसकी रेंज वगैरह बढ़ाई जा सके, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को उड़ीसा में इसको देखने को मिलेगा, टेस्ट फायर किया गया, और देखिए ज्यादा से ज्यादा रेंज कितना बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह कि जो मिसाइल से रिलेटेड कोई भी बातें होती है वो आप लोग याद रखते हैं, ये काम करता है हमारी कंट्री में DRDO, जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी के जो सैटेलाइट वाले काम है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या और तरीके की जो एक्टिविटी है जो ह्यूमन के लिए हमारी सोसाइटी के लिए काफी अच्छी होती है वो काम करती है इसरो, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस रखिएगा, ये डिफेंस के लिए है वो मानवता के लिए। तो दो रिवर है यहाँ पर, रिवर ब्रह्मपुत्रा इंडिया की और मॉस्कोव रिवर ये है रशिया की, दोनों के नाम पर मिलकर इस मिसाइल का नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज देख लेते हैं यहाँ पर, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, कहां से,
ये न्यूज निकल कर आ रही है आसाम से। विच हंटिंग, आप लोगों ने सुना होगा जो चुड़ैल वगैरह होती हैं उनके नाम पर कई तरीके की बातें की जाती है, कई तरीके से औरतों को पीटा भी जाता है, कई तरीके की चीजें निकल कर आती है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने यहां पर अभी क्या किया है, यहां पर अभी असेंट दे दिए आसाम विच हंटिंग प्रोबेशन, मतलब विच हंटिंग को रोकने के लिए प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन बिल 2015 को पास किया गया था स्टेट असेंबली के द्वारा अगस्त 2015 में। अब यहां पर यह लॉ बनने वाला है, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे केसेस आते हैं कि हमारी सोसाइटी में आप उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से लोग जो है रियलिटी पे कम विश्वास करते हैं, और आज की डेट में जो बाबा वगैरह होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, अभी बुरारी में एक केस निकल के आया जिसमें घर के सारे सदस्यों ने अपने आप को फांसी लगा ली, तो क्या था, ये सुपरस्टिशन था। ठीक है तो इस तरीके जो चीजें होती हैं, इस तरीके जो विश्वास किए जाते हैं लोगों को, एक तरीके से उनका ब्रेन जो होता है वो उसको एक तरीके से वॉश कर दिया जाता है बिल्कुल, और अपने कब्जे में कर लिया जाता है। तो ऐसी एक्टिविटी मैक्सिमम कौन करते हुए नजर आते हैं, ये तांत्रिक, तो ये जो भी ये इस तरीके बाबा वगैरह होते हैं ये देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की एक्टिविटी जो होती है हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा घुस चुकी है, जिस तरीके से आप लोगों ने मूवी देखी होगी पीके, तो उसमें क्या दिखाया गया, उसमें ये दिखाया गया कि आज के डेट में लोग जो है डरते हैं भगवान से। आप लोगों ने कई सारी मूवी और भी देखी होगी, तो इनमें क्या दिखाया जाता है, चाहे किसी भी नाम ले लीजिए, भगवान अल्लाह गॉड जो भी आप लोग मानते हैं उसको, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लोग वहां पर प्यार करते हैं कि हाँ हम लोग भगवान से प्यार करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में, डरते हैं कि हाँ यार ये गलत ना हो जाए हमारे साथ में, इसलिए वहां पर जाते हैं। तो इसी तरीके कई सारी चीजें हमारी सोसाइटी में प्रिवेल रहती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल जनता है और जो एक पावरफुल ग्रुप है सोसाइटी का, वो दोनों के बीच में झड़प रहती है और हमेशा नॉर्मल जनता झेलती रहती है। तो उन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए ऐसी चीजें यहां पर की जाती है। तो यहां पर ये जो लाया गया है, यहां पर साइन किया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा विच हंटिंग बिल, इसके बारे में याद रखते हैं कौन से स्टेट से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आसाम और खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट से कनेक्टेड है, तो इसलिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछने के चांसेस और भी ज्यादा हैं, तो आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा यहां पर फोकस देकर जरूर चलिएगा। आसाम विच हंटिंग बिल, ओके, 2015 अब पास किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, तो देख सकते हैं जबकि असेंबली के द्वारा 2015 में पास कर दिया गया था, 3 साल बाद, तो इसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। ठीक है, आसाम को आप लोग निहार सकते हैं जाकर, आसाम को कौन कौन से हमारे स्टेट जो है टच करते हैं ये आप लोग देख सकते हैं जाकर। ये क्वेश्चन तो आप लोग जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, आप लोग के माइंड में एक मैप फिक्स हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये बुक काफी न्यूज में है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, बुक का नाम आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये है यहाँ पर एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल। तो एल्यूमिनियम के बारे में लिखी गई है किसके द्वारा, ये है तपन कुमार चंद, इनके द्वारा लिखी गई है, जो कि यहाँ पर CMD भी है किसके, ये है NALCO नालको के। ठीक है, रिलीज की गई यहाँ पर किसके द्वारा, ये की गई है यूनियन मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, कौन है यहाँ पर, ये है नरेंद्र सिंह तोमर, तो इनके द्वारा रिलीज की गई है। तो देखिए किस तरीके से एल्यूमिनियम को फ्यूचर बोला जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि आने वाले टाइम में एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल होने वाली है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पर, किस तरीके से क्या क्या यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होती है, और किस तरीके से कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है, तो इन सब चीजों पर फोकस दिया गया है इस बुक के अंदर। बुक का नाम क्या है, लिखी किसके द्वारा गई है, ये दो बातें और किससे रिलेटेड है, तीन बातें आप लोगों को पता होना चाहिए हमेशा किसी किताब के बारे में, किसके द्वारा लिखी गई है, बुक का नाम क्या है और किससे रिलेटेड है, ये तीन बातें अगर आप लोगों को पता है बुक के बारे में तो मोर देन सफिशियंट है, इसी से क्वेश्चन आप लोगों का बुक से रिलेटेड हो जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा बैंकिंग और इकोनॉमिक की न्यूज के ऊपर, तो पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर, ये निकल कर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट टीम अप के द्वारा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर वॉलमार्ट के साथ मिलकर टीम अप किया है, किस तरीके से आने वाले टाइम में जो अमेजन है, जो रिवाइवल है यहां पर वॉलमार्ट का, किस तरीके से उसको टैकल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर सोचा जा रहा है। अमेजन आज के डेट में बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ती कंट्री, बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ती हुई कंपनी है, आप लोग देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बहुत शानदार तरीके से अपने पैर जमा चुकी है। आप लोग ये बताइए अमेजन के जो अभी यहाँ पर अमेजन जिसके द्वारा बनाई गई है उसके जो CEO है उसके नाम बताइएगा, आप लोग काफी न्यूज में भी रहते हैं, इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी में इनका नाम आप लोगों को शुमार मिलेगा। इसके अलावा ये यहाँ पर किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन, डेटा परफॉर्मेंस, ये सब चीजों का यूज करके अपनी मार्केट को बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस देकर चलेंगे। और देखिए अमेजन जिस तरीके से बढ़ रही है उसके सामने कोई टिक नहीं रहा है अलग अलग फील्ड में, अमेजन प्राइम बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोग देखें, ए यहाँ पर ये AMAZON, तो यहाँ पर ये तीर आप लोगों को नजर आएगा ए से जेड तक, यानी कि A to Z सब कुछ हमारे यहाँ पर मिलता है, ये है इनका मतलब अमेजन। ठीक है, A to Z सब कुछ यहाँ पर मिलता है आप लोगों को, ये इस तरीके से हर एक फील्ड में बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको टैकल करने के लिए, अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी की जा रही है। हल्का सा आइडिया आप लोग लग सकते हैं, दोनों ही कंपनी काफी शानदार है, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंस है, तो आप लोग अगर बात की जाती है कौन कंपनी किसके साथ में मिल रही है तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। स्पोर्ट न्यूज के बारे में जान लेते हैं, देखिए काफी तरीके से कई तरीके से आज के डेट में न्यूज में रहता है आज की डेट में हमारी कंट्री में, आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। ये क्या है, हॉकी। ठीक है, कई सारी मूवी वगैरह भी आ रही है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जो गोलकीपर यहाँ पर PRS, ये है सिरजेश,
तो ये यहाँ पर लीड करने वाले हैं 18 मेंबर की जो इंडियन हॉकी टीम है, कहाँ पर ये होने वाला है, जकार्ता में, कब से, 18 अगस्त से, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा ये यहाँ पर वाइस कैप्टन की भी बात करें, याद रखना चाहिए, रख सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है, पर लेकिन कैप्टन जरूर आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पर होने वाली है, जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह में, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा पेलमबैंग, ये भी आप लोगों को वहीं नजर आएगा, ठीक है, तो ये भी एरिया वहां पर ही है, तो दोनों में वहां पर अब की बार ये होने वाला है, क्या होने वाला है, जो चैंपियनशिप है, 18th एशियन गेम, ठीक है। आगे चलते हैं, एक नजर डालते हैं पर्सन इन न्यूज के ऊपर, ये है यहाँ पर, ये है इनका नाम याद रखे क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है और कई सारी चीजें न्यूज में भी है। नाम है संदीप संचेत, तो यहाँ पर इनको वाइस चांसलर बनाया गया है, किसके यहाँ पर वाइस चांसलर बनाया गया, मतलब ये वाइस चांसलर थे SRM यूनिवर्सिटी के, और इनको अभी प्रेसिडेंट बनाया गया, 97th प्रेसिडेंट बनाया गया, किसका, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। आखिर ये है क्या, AIU, इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे देता हूँ। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग जो मेजर यूनिवर्सिटी है हमारी कंट्री की, वो सब मिलकर एक एसोसिएशन बनाती है, एक गुट बनाती है, और ये दिल्ली में बेस है। यहाँ पर काम क्या किया जाता है, किस तरीके से कोर्स रहना चाहिए, सिलेबस क्या रहना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड रहना चाहिए, किस तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में हम लोग एक तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनसे हम लोग कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं, इन सब चीजों पर फोकस देकर चलता है यहाँ पर AIU। AIU का जो गठन किया गया था 1925 में किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये वाइस चांसलर जो अभी बने हैं ये आप लोगों के सामने, तो आप लोगों के जो अभी न्यूज में है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर के बारे में, तो यहाँ पर बात की जा रही है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर परफॉर्मेंस योगा जो दिया गया है, अब की बार 4th एडिशन था इंटरनेशनल योगा डे का, जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है कोरकर कोटा राजस्थान में, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर योगा करने वाले लोग यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोटा में इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करा लिया गया है। ITN इंडस्ट्री की जो अपेक्स बॉडी है जिसको नेस्कॉम बोला जाता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द सर्विसेज, ने लॉन्च किया है वुमेन को किस तरीके से IT फील्ड में, IT सेक्टर में आगे लेकर आया जा सकता है लीडरशिप के रोल में, तो यहां पर था ये वुमेन विजार्ड रूल टैग, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं किसके द्वारा, नेस्कॉम के द्वारा, किस तरीके से IT इंडस्ट्री में वुमेन की एक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की गई, जिसके तहत यहाँ पर हमारी कंट्री में नेशनल रीडिंग डे जून 17 आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्टर कौन है ये तो कई बार बता चुका हूं, तो रट गया होगा, प्रकाश जावड़ेकर जी। इसके अलावा 11th रिपोर्ट यहाँ पर जो रिव्यू मिशन फॉर द नेशनल हेल्थ मिशन की बात की गई है, 93 वुमेन को यह बोला गया कि उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन रहते हैं फैमिली प्लानिंग को लेकर और सारी चीजें रहती हैं, तो किस तरीके से अनइवन फैमिली प्लानिंग है हमारी कंट्री में, उन सब चीजों के बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है, तो कई सारी कंडीशन खराब आप लोग यहां पर नजर आएगी, यानी कि वुमेन के ऊपर ज्यादा भार रहता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी के यहां पर द्वारा डिक्लेयर किया गया 5 गीगावाट 2022 तक, और इसके अलावा 30 गीगावाट 2030 तक, देखिए विंड एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है, कौन है यहाँ पर मिनिस्टर ये आप लोग बता सकते हैं, बाकी हम लोग सारी चीजें कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों का जो रिवीजन है यहाँ पर आप लोग जाकर रिवाइज कीजिएगा, नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया, आर्टिकल 352 क्या होता है बताया गया है, लेक्चर का लिंक यहाँ भी मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर भी मिल जाएगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी 11 बजे करीब आप लोग इसको देख सकते हैं, एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रैक्टिस के बिना फिर आप लोग ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ पढ़ा था और भूल गए हैं, प्रैक्टिस करके एक बार जाएंगे तो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेमवर्क में आप लोगों के तैयार हो जाएगी। देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया, फर्स्ट यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा ये है लक्ष्य सेन के बारे में, इनको गोल्ड मेडल मिल गया है जूनियर बैडमिंटन में, इसके अलावा पैडमैन के बारे में जाना, जो सैनिटरी नैपकिन है उनको हटा दिया गया GST से, राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि सबको काउंट किया जाएगा आने वाले टाइम में, ऐसी बात नहीं है, डरना नहीं है, सिटीजन जो है वो अपनी टाइम दे जाएगा अप्रूव करने के लिए। एम्स ने बोला है जो गलत तरीके से दवाई का यूज हो रहा है उसको रोकिए। इसके अलावा यहाँ पर निकल के आ रहा है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, ये मैंने आप लोगों से लास्ट डे के जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना यहाँ पर बिमिस्टी के बारे में, डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जाना, नेक्स्ट जो था 8th इंडियन ओमन ज्वाइंट कमीशन के बारे में जाना। इसके अलावा आयुर्वेदा के बारे में हम लोगों ने जाना, किस तरीके से दिल्ली और यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट यहाँ पर काम कर रहे हैं मिलके। और नेक्स्ट आप लोगों के सामने था यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी ग्लोबल सिस्टम में किस तरीके से हम लोग सही कर सकते हैं, गूगल के साथ मिलकर UNEP काम कर रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। विच हंटिंग बिल के बारे में हम लोगों ने जाना, प्रेसिडेंट ने यहाँ पर इसको प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दी गई है कि आगे इसको आप लोग लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर बुक के बारे में जिसका नाम था एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल, किसके द्वारा लिखी गई है, डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट आप लोगों के सामने था यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, किस तरीके से मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। इंडियन हॉकी टीम को किस तरीके से कौन लेकर आगे चल रहा है आने वाले टाइम में, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना, ये यहाँ पर
आई यू ए, यहां पर जाना ए आई यू के बारे में, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, और कौन वाइस चांसलर है, आप लोगों को हल्का सा तो आइडिया कम से कम होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। ये था हमारा इसके अलावा रिविजन, और ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर पॉलिटिकल रिविजन। तो देखिए अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, इसके अलावा चीजों को शेयर कर दिया कीजिए, और टारगेट आप लोग भूल गए हैं, देखे मैंने कहा था ना कि आप लोग टारगेट याद नहीं रखते हैं, टारगेट आप लोग भूल गए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा एक दो दिन में। इसी तरीके से आप लोगों का मोटिवेशन रहता है, फर्स्ट डे हाइपर रहता है, फिर आप लोग डाउट, फिर आप लोग नीचे गिरते चले जाते हैं। तो चीजों को कंटिन्यू रखा कीजिए आप लोग जितना कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।